हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इनोवेट तनु। सो आज हम बात करेंगे कुछ फेक न्यूज़ के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैल रही हैं। एक फेक न्यूज़ ये है कि क्या सेंधा नमक के साथ हम लाल प्याज खाएं तो हमारा कोरोना ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साइंटिस्ट ने बताया है कि आप कुछ भी फेक न्यूज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि 15 मिनट में आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। तो आप खा सकते हो बट आपका कोरोना इससे ठीक नहीं होने वाला है। सेकेंड थिंग ये है कि क्या नींबू को नाक में डालने से क्या कोरोना या कोल्ड आपका ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है बल्कि नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। तो आपके अगर नाक में जाएगा तो इवन ब्लड भी आ सकता है, क्रास्टिंग हो सकती है, पपड़ी जम सकती है, ऊपर से प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो ऐसा आप कुछ भी नहीं करिए। और थर्ड थिंग ये है कि क्या कोरोना और 5G रिलेशन है। ऐसा कुछ भी है कि 5G की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पूरी फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। डिटेक्टेड भी है कि आपके लंग्स तक कोरोना पहुंचा है, आपके कोरोना है, तो कोरोना की वजह से डेथ हो रही है, ना कि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से। बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ है वैक्सीन के ऊपर भी। तो आपको सिंपली डॉक्टर से रिकमेंड करके वैक्सीन ले लेना चाहिए। इवन शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ने भी वैक्सीन लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए किसी को भी। और फोर्थ थिंग ये है, रेमडेसिविर टैबलेट है एक, तो उसको लोग कोविप्री के नाम से बेच रहे हैं, तो वो गलत है। वो कोविप्री के नाम से नहीं आ रही है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल टैबलेट है जो कि डॉक्टर्स कुछ को ही रिकमेंड करते हैं, सबको रिकमेंड नहीं करते हैं वो। बट अगर आपको दवा लेनी है तो आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही लीजिए, ऐसे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और कोविप्री के नाम से एग्जिस्ट नहीं करती है। ये पूरी फेक न्यूज़ हैं। और भी बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलती हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे, तो आपको पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो जस्ट गिव थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।